नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। भोपाल पुलिस ने खंडवा से 2 सिमी आतंकवादियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने किया था वारंट जारी। सुखबीर बादल बोले, चन्नी ने 3 महीने में राज्य को लूटने का रिकॉर्ड बनाया, चुनाव के बाद जेल जाएंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा में बोले ओवैसी, सुरक्षा के बीच घुटन में नहीं जीना चाहता, गोली लगती है तो कबूल है लेकिन जेट सिक्योरिटी नहीं चाहिए। राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित, कृषि मंत्री बोले 5 राज्यों में चुनाव के बाद MSP पर बनेगी कमेटी। अखिलेश जैन समेत 300 से 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का है आरोप। 5 फरवरी को हैदराबाद में PM मोदी करेंगे 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी प्रतिमा का अनावरण। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार की नियमित जमानत पर कोर्ट ने मांगा दिल्ली पुलिस से जवाब। कार में अकेले यात्रा करने पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं, DDMA की बैठक में हुआ फैसला। शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में करेंगे वर्चुअल संवाद। योगी आदित्यनाथ बोले, जनवरी 2017 तक भूख से तड़प रहे थे लोग, आज उत्तर प्रदेश में भूख से कोई बौत नहीं होती। 10 बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।